2017 में मिसेज इंडिया इंटरनेशनल की विजेता जमालपुर की नेहा गुप्ता को निर्वाचन आयोग ने जिले का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेहा जिले के मतदाताओं को निर्वाचन आयोग के विभिन्न कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार कर जागरूक करेंगी। इस संबंध में जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी अनिल राय ने कहा कि नेहा को जिला आइकन बनाया गया है। वह निर्वाचन आयोग से जुड़कर मतदाताओं को वोटिंग एवं मतदाताओं से संबंधित विषयों का प्रचार प्रसार में सहयोग करेंगी। उन्होंने कहा कि 29 अगस्त को पोलो मैदान में उन्हें जिला आइकन बनने पर जिला प्रशासन द्वारा सम्मानित किया जाएगा। बताते चलें कि नेहा गुप्ता जमालपुर की रहने वाली हैं। जमालपुर नेट्रो डैम में आरंभिक शिक्षा ली है। नेहा बचपन से ही खूबसूरत हैं। सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए हमेशा इच्छुक रहती थीं। इनके कठिन परिश्रम का ही फल है कि शादी होने के बाद या मिसेज इंटरनेशनल प्रतियोगिता में हिस्सा ली और 2017 में इन्हें सफलता मिली। इससे पहले वह कई प्रतियोगिताओं में अपनी खूबसूरती का जलवा बिखेर चुकी हैं। इन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा भी गया है। डॉक्टर नेहा गुप्ता की खूबसूरती के लोग विदेश में भी कायल हैं। डॉक्टर नेहा गुप्ता फरवरी 2017 में बैंकॉक के पटाया में आयोजित माइलस्टोन मिस एंड मिसेज इंडिया इंटरनेशनल में मिसेज इंडिया इंटरनेशनल चुनी गईं। इसके पहले मास्को में आयोजित मिस एंड मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल वर्ल्ड में दुनिया भर से करीब 44 देशों की सैकड़ों लड़कियों के बीच भारत से बिहार की नेहा ने भी पार्टिसिपेट किया था। नेहा मैरिट कैटेगरी में फर्स्ट रनर अप रही। इतना ही नहीं, डॉक्टर नेहा को एशिया की विजेता और राइजिंग स्टार का खिताब भी मिला। जिला आइकन बनने पर नेहा गुप्ता के पिता ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि आज उसका जीवन धन्य हो गया। बेटी ने मेरा मान पूरे जिले में बढ़ाया है। यह खुशी की बात है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में हमारी बेटी अब लोगों को निर्वाचन आयोग की आवाज़ बनकर जागरूक करेगी।